बहुत सोना था। इसका पेट आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कम हो चुका है, पेट को सांस रोक लिया है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ उमा। और आज काफी टाइम बाद मैं जा रही हूँ अपने मामू जान के घर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से ये ब्लॉग शेयर कर लूँ और साथ ही मैं अपने न्यू फैमिली मेंबर्स से मिला हूँ, लाइक मामू जान, छोटी मामी एंड मेरे कज़न लोग। तो अभी मैं राजीव चौक पे हूँ और मैं वेट कर रही हूँ सना, छोटे पापा और छोटी अम्मी का, जो कि वो मुझे यहाँ पर ज्वाइन करने वाली हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ी रही इस ब्लॉग में मेरे साथ। ये वही मेट्रो है जिसकी सना छोटे पापा और छोटी अम्मी आ रहे हैं और उसने मुझे कहा है कि वो सेकेंड लास्ट वाले कोच में है, तो देखती हूँ शायद मुझे वो लोग मिल जाए। इसकी वजह से वो लोग मुझे दिख नहीं रहे और यहाँ पर मुझे मिल चुके हैं छोटे पापा छोटी अम्मी। तो अब मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलूंगी मामू जान के घर पे। तो सना, ऐसा लग रहा है इतने दिन बाद मामू जान के घर जाकर। इतना दिन नहीं हुआ अभी तो, कितना दिन हुआ फिर भी इसके बाद? 2 वीक। ओके, 2 वीक्स हुआ है। तुम कुछ दिन पहले गई थी? मैं तो इनसे पहले गई थी। और तो तुम्हें कैसा लग रहा है नानी अम्मी के इस्तेमाल के बाद जब मामू जान के घर जा रहे हो? तो बताओ कुछ, जब 2 वीक्स पहले तुम आई थी तो तुमको कैसा लग रहा था नानी अम्मी के बिना? था नहीं लग रहा था। चलो आज हम भी देखते हैं। आप देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर और हमारी ई रिक्शा से उधर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले मैं मामू जान के घर के लिए मिठाई लूँगी क्योंकि आइसक्रीम लूँगी क्योंकि मेरे कज़न लोगों को मिठाई पसंद नहीं है, उन्हें आइसक्रीम पसंद है। लेकिन जब मैं अम्मी के मामू जान के घर जाऊँगी, यानी अम्मी के मामी के घर, मेरी नानी के घर में, तो मैं उनके लिए मिठाई और कुछ है ना मिठाई बाद में। और हम लोग पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। मामू जान कहाँ चलेगा? अच्छा, मम्मी को तो नहीं कहते। और हम पहुंच चुके हैं घर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मामू जान? ये मेरे मामू जान वही है जो कि बनियान में थे और वीडियो देख करके शर्ट में आ चुके हैं। और सब बढ़िया। तुम्हारे चक्कर में भूख से था। बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आपकी भांजी आई है 3 महीने बाद। बढ़िया, बहुत बहुत आपका खैर मकदम है, स्वागत है। आप हमारे गरीब खाने को तशरीफ लाए और आपका वॉलपेपर चेंज हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। एहसान मामा की घर भांजी है कि एहसान? अच्छा लग रहा है, वॉलपेपर चेंज कर ली। चलो तुम लोग, काफी कुछ लगता है घर में चेंज हुआ है। खेत में क्यों शूट? नहीं नहीं, मामू जनों को बोले खेत में चलो शूट करने के लिए। हाँ अच्छा लग रहा है वॉलपेपर। वॉलपेपर नहीं है, पेंट है। अच्छा ये पेंट है, फिर आपका वो आ रहा है सीलन। और यहाँ पर मेरी नानी अम्मी जो हमेशा लेटा करती थी, और बहुत ही ज़्यादा खाली लग रहा है क्योंकि इनके इंतकाल के बाद हम पहली बार आए हैं, मैं पहली बार आई हूँ। जब तक मैं इन लोगों से मिल लेती हूँ, मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। राशिद खोलो, कितना दिन आएगा अभी? जस्ट पता है तुम्हारा, हफ्ते में एक बार नहाते हो और 1 घंटे तक।
कुछ जाता मिल कुछ जाता पर मेरे को तो राशिद बोला था ये छोटे घर का माल है वो चीज मिलता है पहले वाला। बाकी जो अगर लैंड खरीदना है तो भारत पर चले जाना। और यहाँ पर लग रहा है खाना और मम्मी ने बनाया हमारे लिए बिरयानी। आज होगा या नहीं होगा तुम्हारा? कितनी देर से नहा रहा है? इतनी देर से तो लड़की भी नहीं नहाती है। कोई बात नहीं, हम लोग माफ कर देंगे, आ जाओ। हालत की लाइट ऑफ करके जी चलो आओ। चुका है खाना पापा के लिए शाकाहारी, क्योंकि वो शुगर पेशेंट थे। चावल नहीं खाते, राइस नहीं खाते। इस वक्त अभी हमारी भांजी सुबाई है और हम लोग अभी खाना खा रहे हैं भांजी के साथ। काफ़ी जायकेदार बिरयानी बना है। अब तो हमारी भांजी सभी बताएंगी कैसा बिरयानी, कैसा बिरयानी लगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हमेशा की तरह मम्मी के हाथों का। माशाल्लाह, आप तारीफ कीजिए ना कैसा बना है। अभी खामोश हो गया। अभी तो कैमरे के पीछे तारीफ चल रहा था अपनी मोहतरमा का, जिनका हम फेस नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये पर्दे में रहती हैं तो इनको हम नहीं रिवील कर सकते हैं। छोटी बहन जो भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही है और ये कोल्ड ड्रिंक के से पर्दा कर रही है। और ये हमारी बेगम साहिबा, पता कुछ का स्मेल आ रहा है जिसे अपना चीजें पर वो मजाक उड़ाती है। माशाल्लाह खतरनाक होनी। सलाम कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा खाना हो गया और ये मेरे खाना खाने से आधे घंटे पहले से नहा रहा था। इतना लेट क्यों नहाता है? इतना दिन के बाद वही तो बात है, यही तुम बोल रहे थे एक हफ्ते में नहाया है। क्या करेंगे बेइज्जती? चल इज्जत से पावर बैंक निकाल दे जो तुम सना का चुरा के ले गया था। फूफी अम्मी से नहीं लिया था, फूफी अम्मी और यहाँ पर खवा शादी छिड़ चुका है हमेशा की तरह, क्योंकि ये हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट है और इसकी बेइज्जती करना हमारा एकदम कर्तव्य है। चल पावर बैंक निकालो। अच्छा पेट आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कम हो चुका है पेट को सांस रोक लिया है नहाने के बाद भी। गरीबों वाला बैंड बहुत बुरा हाल है। इस लड़की को हम आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खिलाने वाले हैं। सना चलो यहाँ आप लोग अभी चल रहे हैं। पापा छुपा लिए क्यों? ठीक है चलिए चलो सब। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज मामू जान। वालेकुम सलाम। जल्दी से निकलो। वालेकुम सलाम। फिर आना तुम लोग संडे को ही आना, कभी भी आना। क्या खाना जाना पड़ता, खाना नहीं बनाना पड़ता। दो आदमी में क्या बनाना? हम दो आदमी बनाएंगे। नहीं तो मम्मी बोली है छोटी नहीं बना की, और मेरा ही खाना भी पैक हो गया रात का डिनर जो मम्मी ने पैक कर दिया। और हम जा रहे हैं नानी अम्मी के घर नानी से मिलने के लिए, जो मैंने आप लोगों को बताया था मेरी अम्मी की मामी से मिलने। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है पर कहाँ जा रहे हैं तो हम वहाँ मिलेंगे। और अभी हम जा रहे हैं मिठाई लेने के लिए, फिर मिठाई की तरफ जाएंगे नानी के घर। क्या हुआ? अरे पागल है। यहाँ पर हमारे मिठाई लेने के लिए, और ये बस इसको बहाना चाहिए सिर्फ खाने का, मिठाई वाले का मिठाई टेस्ट करके भाग जाता है। ये वाला देखो ना टोटा, वो वाला नहीं है, जला वाला है, जला वाला।
अरे कुछ अच्छा नहीं बनाया है, नहीं बनाया कुछ अच्छा लो। ये वाले जगह तो थोड़ा सा टेस्ट करवा के समझे ना, डेली के कस्टमर ऐसे भी खिला देंगे क्या भैया? बोलिए आप कैमरे के सामने मुस्कुराइए। ये डेली मांग मांग के मिठाई खाता है। ये खाली नहीं है, अब ये निकल जाएगा बहाना मार के। मतलब 9 नंबर के बाहर जाके मंगवाना लेके आओ। बर्फी ले लेना, कितना गूगल पे कर देंगे ना। तो हम लोगों को मिठाई नहीं मिली और टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो ये अब ज़्यादा 9 नंबर वाली कोई गली है वहाँ से मिठाई लेगा। इसने मेरे से मिठाई के पैसे के अलावा 50 रुपये ज़्यादा लिया है लाने के लिए। झूठ नहीं बोल रही है। और आप जो ये देख रहे हैं ये है अफगान चौक। यहाँ पर आपको तरह तरह के डिशेस मिलेंगे, एक से एक टेस्टी टेस्टी डिशेस। और यहाँ पर आपको जितने भी लोग मिलेंगे सब आप तो देख रहे होंगे, नमाजी एंड अफगानी। ज़्यादातर लोग यहाँ पर अफगानी आदमी, ये मोहल्ला इसलिए अफगान चौक है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर अफगानी लोग ही बसे हुए हैं। और हम लोग पहुँच गए हैं नानी के घर। तो वो वाली नानी तो हमें नहीं मिली क्योंकि वो गांव जा चुकी है कल ही, तो हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो अब हम जा रहे हैं अपने खाला के घर। यहाँ हमारी एक खाला रहती हैं जिनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और उनके बेटे की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट था, तो हमने सोचा क्यों ना हम उनसे भी मिल लें। अस्सलाम वालेकुम। और हम लोग पहुँच चुके हैं और नमाज की भी टाइमिंग हो गई। तो छोटे पापा छोटी अम्मी और जिनके घर हम आए हैं खाला अम्मी, वो तीनों नमाज पढ़ने जा रहे हैं। चल रहा है नाश्ता, उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए। झाड़ू लेके आइए। बस किसी ने रिकॉर्डिंग चालू है ठीक है। अल्लाह हाफिज। और यहाँ से हो चुका है हमारा और छोटे पापा का रूट अलग। अब वो जाएंगे द्वारका वाले साइड। और नहीं नहीं चलिए चले। और अब इन लोगों का प्लान हो चुका है चेंज और अब ये लोग जाने वाले हैं हमारे साथ। और ये तीनों तीन एस्केलेटर पे इन लोगों का अपना ही दर्शन है। और अब यहाँ पे शायद मुझे वो मिल जाए जिसकी मुझे तलाश है। यहाँ पर मैं अपने लिए लेने आई हूँ कुछ। ये सही है, आई थिंक ये ब्लैक ट्राउजर मेरे लिए परफेक्ट है। तो मुझे एक ये समझ आ रहा है, एक ये कलर
और देखिए आई थिंक ये ले लेती हूँ, वो वाला लूज नहीं है, या वो ले लूँ देखो इसका कलर नहीं पता चल रहा है यहाँ पर। ठीक है तो मैंने ये जींस लिया है और एक ब्लैक मैंने आप लोगों को दिखाया, तो मैंने भी ये सब लिया है और तो मुझे बिल्कुल भी कुछ पसंद नहीं आ रहा है। जब उनका माल कब आएगा? मुझे चाहिए ब्लैक में कुछ मिल जाए तो ठीक है, और समझ नहीं आया और मैंने ये ले लिया है। अब यहाँ पे मैं करती हूँ अपने ब्लॉग की एंडिंग और अब मैं जा रही हूँ घर क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस।